नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों से कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेज खोला हुआ है, तो आप ये जान ही गए होंगे कि हम आज केंद्रीय विद्यालय के बारे में कुछ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देश भर में किन किन जगहों पर केंद्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं और कितने स्कूल देश भर में काम कर रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि अगले महीने 9 यानी जनवरी 2019 से अगले शैक्षणिक सत्र के लिए केवी में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले ही यहाँ पे जान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कहाँ पर आपके नजदीकी केंद्रीय विद्यालय काम कर रहा है। तो दोस्तों ये लिस्ट हम आपको बता देते हैं, ये लिस्ट आपके सामने है और इसमें जुलाई 2018 तक लगभग देश में 1087 यानी 1087 केंद्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं देश के हर एक राज्य में अलग अलग जगह पर। तो आप अपने नजदीकी जो भी जगह है उसमें आप चेक कर लीजिए लिस्ट में। और जैसे कि यहाँ पर हर एक राज्य के अकॉर्डिंग, मान लो अंडमान निकोबार में 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में लगभग यहाँ पर 54 KVS स्कूल हैं। तो हर एक राज्य के अकॉर्डिंग जो लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इस लिस्ट का एक लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम आपको इसके लिस्ट का एक कॉपी भेज देंगे और आप अपने नज़दीकी जो भी KV स्कूल आती है उसका नाम यहाँ पर देख लीजिए और आप भी अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी सुविधाजनक ये लिस्ट यहाँ पर आपके लिए हम लेके आए हैं, तो आप भी इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने बच्चों का देख लीजिए कि आपके नज़दीकी जिस KV स्कूल है तो आप यहाँ पर उनका एडमिशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में आप इसको रख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं जो खबर इस वीडियो में आपको दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी उनके नज़दीकी KV के बारे में जान सकें। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार फिर से आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।